हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉसेस ऑफ रिस्क। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉसेस ऑफ रिस्क, यानी किन कारणों से रिस्क होता है, किन कारणों से जोखिम होता है, किन कारणों से हमें नुकसान होता है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। द थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इक्वली अप्लाइज टू द रिस्क ऑल्सो। जो थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है वो इक्वली रिस्क में भी अप्लाई होती है। जनरली ऑल रिस्क आर कॉज्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स और फोर्सेस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ दिस फैक्टर्स कॉज ए लॉस। यानी जो रिस्क है वो किसके कुछ फैक्टर से, कुछ फोर्सेस से वो आती है या होती है, और इन फैक्टर से, इन फोर्सेस से क्या होता है, हमें लॉस होता है। द मेजर कॉसेज ऑफ रिस्क आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। यानी ये जो चार्ट दिया गया आपको, इसमें ये फैक्टर बताए गए हैं जिन कारणों से हमें रिस्क होती है या जिन कारणों से हमें लॉस होता है। बेसिकली जो कॉसेस ऑफ रिस्क है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पॉइंट नंबर वन, नेचुरल कॉज। पॉइंट नंबर सेकंड, अननेचुरल कॉज और अदर कॉसेस। अब नेचुरल कॉसेस क्या होता है? नेचुरल कॉसेस, नेचुरल कारण जो होते हैं जिससे रिस्क होता है, वो है द रिस्क कॉज्ड बाय द नेचुरल फैक्टर्स सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स आर नोन एज ए नेचुरल कॉसेस। यानी जिन नेचुरल कॉसेस जैसे सीजनेबल चेंजेस आती है, यानी जो नेचुरल कॉसेस है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो सीजनल चेंजेस, जो सीजनल चेंजेस आती है, सीजन के हिसाब से जो चेंजेस आती है उनसे जो हमें रिस्क होती है, उनसे जब हमें नुकसान होता है, उसे क्या कहा जाता है, सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस की वजह से जो रिस्क होगी उसे क्या, उसे वो किस में काउंट होती है, नेचुरल कॉसेस में। नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जियोग्राफिकल चेंजेस होती है। अब नेचुरल कॉसेस में तीन कैटेगरी में रिस्क को डिवाइड किया गया है, रिस्क के जो कॉसेस है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला सीजनल चेंजेस, दीज रिस्क आर कॉज्ड बाय द एक्सेसिव हीट इन समर। जैसे एक्सेसिव हीट होती है समर में, स्नोफॉल इन द विंटर, हैवी रेन इन द रेनी सीजन। तो इन कारणों से क्या होती है, हमें रिस्क होती है, और इन्हें क्या कहा जाता है, सीजनल चेंजेस। जो सीजनल चेंजेस से रिस्क होती है उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल रिस्क। उसके बाद जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से भी रिस्क होती है, द रिस्क विच इज़ कॉज्ड बाय द ड्यू टू चेंज इन अर्थ। जब अर्थ में चेंजेस आती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो ये क्या है, जियोग्राफिकल चेंजेस हैं। उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़ में क्या आ जाएगा, द रिस्क विच ऑकर ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक स्टॉर्म। जैसे स्टॉर्म आ गया, विंड्स आ गए, स्नोफॉल हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इसको क्या, इसको इन तीनों को क्लासिफाई किया गया है नेचुरल कॉसेस में। नेचुरल कॉसेस में तीन फैक्टर्स है, एक सीजनल चेंजेस है, नेचुरल क्लाइमेटिस है और जियोग्राफिकल चेंजेस। उसके बाद अननेचुरल कॉसेस, अननेचुरल कॉसेस कौन सी होगी, जो नेचर की वजह से नहीं होती है। इसमें क्या आ जाता है, ह्यूमन फोर्सेस, जो ह्यूमन फोर्सेस की वजह से होता है। उसके अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज या इकोनॉमिक कॉसेस। अननेचुरल कॉसेस को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ह्यूमन फोर्सेस, रिस्क ड्यू टू चेंज इन द प्रेफरेंस। जैसे कि प्रेफरेंस में चेंज आ गई तो इससे क्या होगा, रिस्क होगा। टेस्ट ऑफ कस्टमर्स, टेस्ट, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, और या स्ट्राइक और लॉकडाउन्स हो गया, ये क्या है, ह्यूमन फोर्सेस। जो ह्यूमन फोर्सेस की वजह से हमें रिस्क होती है उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमन फोर्सेस, अननेचुरल रिस्क। इकोनॉमिक कॉसेस, रिस्क ड्यू टू विच द ट्रेड साइकिल, जो रिस्क ट्रेड साइकिल से होगी या डिमांड एंड सप्लाई से होगी या मार्केट कंपटीशन से होगी, उसे क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक कॉसेस। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करती है तो उससे भी क्या होता है, हमें रिस्क होती है। रिस्क विच आर कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक
फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एक्स्ट्रा अफेक्टिंग द कॉमन मैन एंड बिजनेस एडवर्सली। उसके बाद थर्ड फैक्टर है जो थर्ड कॉज है रिस्क की, वो क्या है, अदर कॉसेस। इन एडिशन टू द एबो मेंशन नेचुरल एंड अननेचुरल कॉसेस समटाइम लाइक इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, जैसे कि हमारे पास इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है, एडल्ट्रेशन इन फूड है, आर्टिकल्स, लो क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है, तो ये भी क्या है, रिस्क के कारण है। यानी रिस्क के कारण क्या है, तीन प्रकार के रिस्क के कॉसेस है। पहला नेचुरल कॉसेस, नेचुरल कॉसेस में आ जाएगा सीजनल चेंजेस और नेचुरल क्लाइमिटीज, जियोग्राफिकल चेंजेस, और अननेचुरल कॉसेस में तीन आएगा, ह्यूमन फोर्सेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इकोनॉमिक कॉसेस। और अदर फोर्सेस में क्या होगा, अदर कॉसेस में क्या होगा, जैसे कि हमारे पास इनसफिशिएंट मैनेजमेंट है, एडल्ट्रेशन इन फूड है, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या है, रिस्क के कारण है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।